बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए आज हम लोग हैं महोबा रोड पर और ये हमारे सामने एक पहाड़ी दिख रही है। अगर आप बुंदेलखंड में देखें तो बुंदेलखंड में आपको छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ दिखाई देगी ये पूरा इलाका। और सबसे अच्छा जो दृश्य दिखाई देता है आपको, हम लोग रोड पार करके दिखाते हैं आपको, वो दृश्य बहुत ही मन को मोहने वाला, लुभाने वाला, वो बड़ा ही आकर्षक दृश्य है। देखिए आप, बड़ी हाईवे फोर लाइन का NH 39 पे घूम रहे हैं आज। पूरा देखिए आप, हमारे अशोक सर आज ज्योग्राफिकल आपको जानकारी देने वाले हैं इस संबंध में। देखिए आप, ये पहाड़ छोटे छोटे से हैं क्योंकि ये हिमालय की तलहटी से आए हुए हैं, तो इनके लिए ये छोटे छोटे से पहाड़ हैं, पर ये हम लोगों के लिए बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम लोगों ने एक बहुत छोटे से समय गुजारा है तो ये बहुत दूर हुआ करता था, परंतु आप देखिए बिल्कुल छतरपुर के कितने नज़दीक दिखाई दे रहा है। देखिए आपको ये सामने वाला भी जो दिख रहा होगा, ये देखिए एक ये आपको माउंटेन दिख, छोटा सा पहाड़िया दिख रही होगी, पहाड़िया बोलते ना लोकल लैंग्वेज, और एक ये दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे आपको दिख रहे होंगे। इनके जो बनने का जो सिद्धांत है, वो बनने का सिद्धांत ये है कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन शुरू हुआ था पृथ्वी पर, और वो काल था क्रिटेशियस काल का समय था जब बनना शुरू हुआ, तो ज्वालामुखी में ये ज्वालामुखी शंकु एक प्रकार के, यानी ज्वालामुखी से बने हुए एक लावा से बने हुए, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकला, लावा से बने हुए ये पर्वत हैं, और इसमें लावा फूटा और वो लावा थोड़ा सा गाढ़ा था, यानी पतला नहीं था, गाढ़ा भी था और पतला भी था, दोनों टाइप के थे, यानी गाढ़ा भी था और पतला भी था। जो पतला था वो लंबे इलाके में फैल गया और वो बन गया पठार क्रिटेशियस काल में, और जो गाढ़ा लावा था वो जहाँ पिघला वहीं पर जमा हो गया और वो बन गया ज्वालामुखी शंकु। तो अब हमारे त्रिपाठी सर इसको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी अशोक सर के द्वारा बताया गया इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये मंदिर यहाँ से दूर से आपको दिख रहा होगा, और ये छोटी छोटी बुंदेलखंड की पहाड़ियों पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ एरिया को, ये पूरा ये मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है। ये देखिए पहाड़ी और ये सब पूरा क्षेत्र है। इन पूरे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नीम, खजूर और भी बहुत सारे आपको वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बबूल भी है। तो वास्तविक रूप से यदि इसकी भूआकृतिक संरचना के बाद हम इसकी जलवायु की स्थिति को देखें, तो आपको यहाँ पर चट्टानी जो वनस्पति है उसकी मात्रा आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, और जिसे हम यदि वर्गीकरण के आधार पर देखें तो हम इसे अर्धशुष्क क्षेत्र जलवायु के अनुसार मानते हैं। अर्धशुष्क मानते हैं क्योंकि अर्धशुष्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगभग पाँच महीने तक बारिश होती है, और बाकी जो समय है उसमें बहुत छोटी छोटी बारिश होती है, और यही कारण है कि इन सभी क्षेत्रों में ये पतझड़ वन और ख़ासकर शुष्क पतझड़ वन यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि एक जो खजूर है ये शुष्क पतझड़ वन और मरुस्थल दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यहाँ पर ये खजूर की वैरायटी बदल जाती है शुष्क पतझड़ वन में। उसी तरीके से नीम इसका मुख्य पौधा है, और भी बबूल वगैरह जो है ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, झाड़ियाँ भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलेंगी। तो वास्तविक रूप से शुष्क पतझड़ वन इसकी मुख्य वनस्पति क्षेत्र है। जैसे वनस्पति के कई प्रकारों में सदाबहार वनस्पति, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, कटीली वनस्पति और मरुस्थलीय वनस्पति, ये मुख्य वनस्पति होती है जो वर्षा और तापमान पर आधारित होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी भूआकृतिक संरचना तथा इसकी जलवायु की स्थिति, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन के लिए, ये शुष्क पतझड़ वन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अभी इस क्षेत्र में आपको ये बड़ी मात्रा में जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर, जब ये यहाँ का नगरीकरण और शहरीकरण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था,
तो उस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के चारागाह भी देखते थे, और ऐसी भूमि जहाँ पर पुराने समय में इन पहाड़ी क्षेत्रों में आपको जंगली जानवर भी आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि यदि आप देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से शुष्क भूमि जो होती है उसको हम बड़े बड़े शिकार भूमि भी बोलते हैं। देख सकते हैं आप ये जो झाड़ियाँ हैं इनकी आकृति भी काफ़ी बड़ी है, और इसीलिए ऐसी झाड़ियाँ और शुष्क क्षेत्रों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जंगली जानवर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए हम इसको हम शिकार भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों का काफ़ी बड़ी मात्रा में शहरीकरण होने लगा है। हालांकि बुंदेलखंड के आप इन क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि अभी सर ने बताया कि ग्रेनाइट चट्टान है और लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलता है, तो यदि हम इसकी खेती को भी देखें इस जगह पर, आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपको ज़्यादातर गेहूँ बाजरा और जो मिलेट्स चट्टाने हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेट्स जो जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में होता है, और यहाँ पर वर्षा आधारित फसलें कम मात्रा में होती है जैसे भारत के आप अन्य क्षेत्रों में देखेंगे। और इसके बाद में हम आपको एक उड़ीसा का भी इसमें वीडियो इसमें भेजेंगे, और उसमें उन दोनों जगहों की आप तुलना करके देखिएगा कि जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा है वहाँ पर चावल प्रधान खेती होती है। इन जगहों पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शुष्क ज़मीन मिलेगी, इसलिए यहाँ पर गेहूँ बाजरा इस तरीके से मोटे अनाज काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संसाधनों में भी ये चूना पत्थर की चट्टाने, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर ऐसे उद्योग जो पत्थरों पर आधारित है उनकी उत्पत्ति ज़्यादा हुई है। लेकिन जैसे झारखंड वहाँ पर भी इसी तरीके की जलवायु है, लेकिन वहाँ पर टर्सरी काल की चट्टाने होने की वजह से वहाँ पर कोयला बहुत बड़ी मात्रा में मिला, लोहा बहुत बड़ी मात्रा में मिला, और चूँकि इन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो कोयला और लोहा का अभाव है, और ये एक बहुत बड़ा एक कारक है या फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इंडस्ट्री उतनी सघन मात्रा में नहीं मिलेगी। इसलिए यदि इन क्षेत्रों का आप शहरीकरण देखेंगे या शहर से जुड़ाव देखेंगे तो ऐसे चट्टान आधारित जैसे मार्बल हो गया, पत्थर हो गए, बलुआ पत्थर हो गया, और इसके अलावा मोटे अनाज पर आधारित जो आपके उद्योग हो गए इनको आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। लेकिन यदि आप ये देखें तो कोयला और लोहा आधारित आपको जो उद्योग हैं उनका केंद्रीकरण आपको यहाँ पर कम मिलेगा, और उनका केंद्रीकरण आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और इन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और मैं यही आपको बता रहा था कि इसमें जो शहरीकरण है, इसमें शहरीकरण का मुख्य जो व्यवसाय है वो एक पर्यटन भी है। जैसा कि बार बार आपको बताया गया कि ये जो सड़क है मुख्यतः ये जो रोड है ये खजुराहो, महोबा, बांदा और ऐसे पर्यटन क्षेत्रों की तरफ जाती है जहाँ पर बड़े बड़े पर्यटन केंद्र हैं। तो ये औद्योगिक दृष्टिकोण में यदि आप पर्यटन उद्योग को लेंगे यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें जाना जाता है। और इसी के साथ मैं अपने मित्र को गिरीश सर को ये देता हूँ और आप वो आगे बताएंगे आपको। देखिए हमारे सुरेश सर और अशोक सर ने बुंदेलखंड से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी, वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो शेयर जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बुंदेलखंड के कोने कोने में और भारत के कोने कोने में इस वीडियो को पहुंचाना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद गिरीश सर। देखिए जैसा कि आपको अभी हमारे मित्र के द्वारा बताया गया कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। यदि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत लंबे समय से देखें तो बहुत बड़े बड़े लीडर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती माननीय जो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश में, इसके बाद में यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको राजनीतिक जो सक्रियता है वो आपको इस बुंदेलखंड के क्षेत्रों में थोड़ा सा इन चीज़ों का अभाव हो रहा है। और बाकी जगहों पर यदि आप देखें तो छोटे छोटे और अन्य चीज़ों के जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, तो आपकी और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि यदि आप इसे आगे बढ़ाएं ताकि बुंदेलखंड की संस्कृति को और बाकी चीज़ों को लोग समझ सकें, और ये हो सकता है कि इन चीज़ों का फ़ायदा एक बड़े बड़े इन्वेस्टर या ऐसे लोगों को भी हो जो यहाँ पर आगे इन सभी प्रकार की चीज़ों को देखकर, यहाँ की जैसे कोई मूवी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है
कोई पर्यटन से और बड़ी चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो इन चीज़ों के प्रति इनको देख कर वो अट्रैक्ट हो, इसलिए शायद एक छोटा सा कारक ही इस क्षेत्र के विकास के लिए बन सके। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप इस प्रकार के जो बुंदेलखंड से जुड़े हुए प्रकृति से सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े ये जगह हैं कम से कम एक बार आप उनको शेयर करें। धन्यवाद।